one class. पिछले लेक्चर में हमने बात कर रहे थे कटिंग मटेरियल के बारे में, अब आगे उसी पर हम डिस्कस करेंगे कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एन आइडियल कटिंग टूल मटेरियल। एक आइडियल कटिंग टूल मटेरियल के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसका नंबर हम देखते हैं। एज फार एज पॉसिबल इट शुड मेंटेन इट्स हार्डनेस which is appreciably higher than the workpiece and elevated temperature, मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ जो मशीनिंग होगी तो अभी सी बात है टेम्परेचर का इन्वॉल्वमेंट होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो उस बढ़ते हुए टेम्परेचर के साथ उस बढ़े हुए टेम्परेचर के साथ tool must be harder than the workpiece, ठीक है, appreciably higher, मतलब workpiece से ज़्यादा harder हो tool at elevated temperature, क्यों? machining के दौरान temperature increase होता है, और अगर temperature increase होता है तो temperature आपका cutting tool का भी increase होगा और आपका workpiece का भी temperature increase होगा। हीट ट्रीटमेंट में पढ़ा है कि जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो हीट के कारण चेंज होती है, तो इसीलिए कहा गया कि चेंज होने के बाद भी द टूल मस्ट बी हार्डर देन द वर्क पीस। नेक्स्ट पॉइंट है इट शुड बी टफ इनफ टू विदस्टैंड शॉक, टूल होना चाहिए वो इतना टफ होना चाहिए कि वह शॉक को withstand कर सके, छेद कर सके, ठीक है? जब टूल और वर्कपीस के बीच में कांटेक्ट होता है, इनर्शिया के कारण भी उसको अपोज करता है, कहीं ना कहीं शॉक अराइज होता है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, तो शॉक को withstand करने की कैपेबिलिटी होनी चाहिए उस कटिंग टूल मटेरियल के अंदर। इसलिए आइडियल कटिंग टूल मटेरियल के अंदर जो प्रॉपर्टीज हो रही हैं उसको हम लोग बात कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट इट्स क्वाइट लार्ज रेजिस्टेंस टू वियरिंग, मतलब इजीली वो वियर ना हो, जैसा कि बताया गया कि टूल के अंदर मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू एनी टेंडेंसी ऑफ ज्योमेट्रिक फॉर्म को चेंज करने के खिलाफ एक मैक्सिमम रेजिस्टेंस टूल के अंदर होना चाहिए, क्लियर है? ऑब्वियस बात है, इसमें ये भी कोई पॉइंट लग गया कि लार्ज रेजिस्टेंस टू वियरिंग फ्रैक्चर सो दैट एक्सेसिव वियर डज नॉट अकर, क्योंकि अगर ऑब्वियस बात है वियर से लोग नहीं रहते, जैसा कि आप कभी जो फेलियर के बारे में इसमें बात करते हैं नहीं रोक पाए, ठीक है? इसलिए आगे एक्सेसिव वियर को मिनिमाइज, ज्यादा वियरिंग ना हो, इसीलिए लार्ज रेजिस्टेंस टू वियरिंग हो जाए ताकि ज्यादा एक्सेसिव वियर ना कर पाए, ये नहीं कर रहे वियर ना कर पाए, क्यों? कि वियर होना लाजिम होता है कि वियरिंग होगा और एक्सेसिव वियर ना, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट है द प्रॉब्लम ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वर्क एंड टूल शुड बी लो, फ्रिक्शन प्रॉब्लम ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू लो, इसके इसके बीच में टूल और वर्क के बीच में प्रॉब्लम ऑफ फ्रिक्शन लो, कम लो टूल और वर्क के बीच में, क्योंकि अगर फ्रिक्शन होगा हीट ज्यादा जनरेट होगा, हीट ज्यादा जनरेट होगा तो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगा, तो टूल कहीं ना कहीं टूल की प्रॉपर्टी भी बदलेगी, टूल के फेलियर के चांसेस बढ़ेंगे। इसीलिए कहा गया कि
friction, problem of friction, working of the skillage में slow हो, ताकि heat का generation कम से कम हो और आपका plastic deformation ना हो और friction के कारण और भी दिक्कत आएगी जो surface खराब करेगा, ठीक है, heat involved होगा जिससे कि material की property भी बदलेगी, तो ये सब problem को minimize करने के लिए हम ये भी चाहेंगे कि आइडियल कटिंग टू मटेरियल में प्रॉपर्टी हो कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वर्क एंड डू शुड बी लो. नेक्स्ट, थर्मल कंडक्टिविटी एंड स्पेसिफिक हीट शुड बी हाई. थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए कटिंग टू मटेरियल के अंदर. क्यों थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए? थर्मल कंडक्टिविटी इसलिए ज्यादा होनी चाहिए कि आप जानते हैं कि हीट का जो फ्लो हो रहा होता है वो कोल के अंदर से भी हीट फ्लो करेगा, वर्क पीस के अंदर से भी हीट फ्लो करेगा, शिप के साथ भी हीट फ्लो हो जाएगा. अब चूंकि कोल के अंदर से भी हीट फ्लो हो जाता है, इसका इसमें क्या होता है, जब कोल के अंदर से हीट फ्लो हो जाता है तो ऑब्वियस बात है कि अगर थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होगी तो हीट आसानी से डिसिपेट होगा कोल के अंदर से भी. हीट आसानी से डिसिपेट होगा कोल के अंदर से भी तो उससे कोई इजीली हीट का डिसिपेशन होगा और वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा. हीट एक जगह एक्युमुलेट नहीं, अगर हीट एक जगह एक्युमुलेट नहीं होगा उससे तो हमें मिलता है आपका जो टूल के अंदर डिफॉर्मेशन नहीं होगा, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन नहीं होगा और टूल की प्रॉपर्टी में चेंजेस नहीं आएंगे. ये सब बेनिफिट्स हैं, इसीलिए लेने चाहेंगे हीट का एक्युमुलेशन हो गया इकट्ठा, ठीक है. इसलिए हम चाहेंगे थर्मल कंडक्टिविटी इन स्पेसिफिक हीट ऑफ शुड बी हाई, ठीक है. ये उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक आइडियल कटिंग टू मटेरियल के अंदर. फिर हम बात करेंगे कि जो आप कटिंग टू मटेरियल इस्तेमाल करेंगे वो कॉमनली किस तरीके का कटिंग टू मटेरियल का यूज होता है. तो वो कटिंग टू नॉर्मली हाई कार्बन स्टील के हो सकते हैं, हाई स्पीड स्टील के हो सकते हैं, कॉमनली यूज मटेरियल जो हो रहे हैं कटिंग फॉर कटिंग टूल, कटिंग टूल बनाने के लिए जो कॉमनली इस्तेमाल किए जा रहे हैं मटेरियल बेसिकली हैं वो हैं हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, सीमेंटेड कार्बाइड, सेरामिक. ये मटेरियल्स, इन मटेरियल्स का इस्तेमाल हम लोग कटिंग टूल पर्पस के लिए करते हैं. हाई कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, सीमेंटेड कार्बाइड, सेरामिक. Of course, for grinding and other machining purposes, some abrasive particles का इस्तेमाल करते हैं, जैसे सिलिकॉन कार्बाइड हो गया, एल्यूमिना हो गया या डायमंड, इन सब का इस्तेमाल करते हैं. सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और डायमंड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है. ये चीजें अब हम नेक्स्ट फिगर पर देखेंगे कि वेरिएशन ऑफ हार्डनेस विद टेम्परेचर ऑफ वेरियस टूल मटेरियल. अलग अलग टूल मटेरियल में हम देखेंगे कि वेरिएशन ऑफ हार्डनेस, ठीक है, टेम्परेचर के साथ हार्डनेस में क्या वेरिएशन हो रहा है ये हम देखेंगे. वेरिएशन ऑफ हार्डनेस विद टेम्परेचर फॉर कॉमन टूल मटेरियल्स, जैसे स्टेनलेस कार्बाइड है उसमें y एक्सिस पे जनरल हार्डनेस नंबर शो किया गया है, BHN शो किया गया है और यहाँ टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड शो किया गया है x एक्सिस पर. आप टंगस्टन कार्बाइड के अंदर देखेंगे कि जब आपका टेम्परेचर बढ़ेगा तो धीरे धीरे ये हार्डनेस आपका डिक्रीज होगा टंगस्टन कार्बाइड के केस में. लेकिन अगर आप हाई कार्बन स्टील के केस में देखेंगे तो यहाँ पे शुरुआत में तो आपको टेम्परेचर का कुछ
100 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहेगा तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जैसे ही उससे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप देखेंगे कि बहुत तेज़ी के साथ हार्डनेस डिक्रीज होगी। उसी हिसाब से हाई स्पीड स्टीम के केस में जब देखेंगे तो हार्डनेस का डिक्रीमेंट उसमें भी शो हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ गया। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ हार्डनेस मटेरियल का लूज हो रहा है, वो हार्डनेस कम हो रहा है। इसीलिए हम सुटेबल कटिंग टूल मटेरियल को सेलेक्ट करते हैं फॉर अ पर्टिकुलर वर्क पीस, ताकि अगर इस टाइप की कंडीशन क्रिएट भी हो तब भी द हार्डनेस ऑफ द टूल मस्ट बी ग्रेटर देन द वर्क पीस एट एलिवेटेड टेम्परेचर। इस चीज को फॉलो किया जा सके, ठीक है। Carbides is produced by a powder metallurgy technique. Yeah. तो इसमें next point के ऊपर हम बात करेंगे कि वह अलग-अलग composition जो बनाया जा रहा है tool materials के अंदर percentage of composition included discuss किया गया है। कार्बन टूल स्टील के लिए शो किया गया कार्बन 0.9% और एमएन 0.6% रेस्ट आयरन, हाई स्पीड स्टील के लिए 0.75 कार्बन 18 एगस्टन 4% क्रोमियम 1 वैनेडियम 0.6 mm रेस्ट आयरन। इस तरीके से शो किया गया है कि डिफरेंट कंपोजिशंस अलग अलग तरीके के कटिंग टूल मटेरियल के साथ दिखाया। यस, ठीक है। कार्बाइड्स के केस में दिखा गया है कि भाई है ना एलेस्टिक कार्बाइड 94%, ठीक है, वाल 6% है ना, तो यूज फॉर कास्ट आयरन अगर टंगस्टन कार्बाइड सर 2.7 है तो वाट 4.5 है, पीएसी आपका 12.2 है, पीआईसी आपका 12.6 है। स्टील के लिए यूज किया था इस तरीके से, डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क पीस के लिए अलग अलग कंपोजिशन के कार्बाइड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये चीजें हैं किस तरीके के मटेरियल के लिए हम किस तरीके का कंपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। सेरेमिक्स फॉर एग्जांपल एलुमिना विल बी डायरेक्टली यूज्ड फॉर एज अ कटिंग टूल, ठीक है। अब कटिंग स्पीड फॉर वेरियस टूल, तो आप अलग अलग कटिंग टूल मटेरियल का मैक्सिमम कटिंग स्पीड कितना होगा इसके बारे में भी यहाँ पे टेबल में शो किया गया है। कार्बन स्टील के लिए 5 मीटर पर मिनट, हाई स्पीड स्टील के 30 मीटर पर मिनट, मतलब मैक्सिमम शो किया गया है, मैक्सिमम पॉसिबल स्पीड एट विच माइल्ड स्टील कैन बी कट विद वेरियस टूल मटेरियल। माइल्ड स्टील आपका वर्क पीस है, टूल मटेरियल के बारे में है। सीमेंटेड कार्बाइड 150 मीटर पर मिनट, कोटेड कार्बाइड 350 मीटर पर मिनट, सिरेमिक के लिए 600 मीटर पर मिनट। ये अलग अलग स्पीड इसमें शो किया गया है कि अगर वर्कपीस आपका माइल्ड स्टील है तो उस पर अलग अलग कटिंग टूल मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे तो मैक्सिमम स्पीड कितनी आप पा सकते हैं इसके बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है। आगे भी कहा गया है कि तो दे आर हाई टेम्परेचर एंड वियर रेजिस्टेंट, इसके लिए एलुमिना के लिए फ्रैक्चर में भी कॉज्ड बाय शॉक। सेरेमिक फॉर एग्जांपल एलुमिना मे बी डायरेक्टली यूज फॉर कटिंग, यूज एज अ कटिंग टूल, दो दे आर हाई टेम्परेचर एंड वियर रेजिस्टेंट, फ्रैक्चर में भी कॉज्ड बाय शॉक, देयरफॉर सच टूल